नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी नई परिस्थिति जो है सामने आई थी। उस दौरान हमने ये भी देखा था किस तरह से जो नतीजे आए थे सबको चौंकने पर जो है विवश कर दिए थे। नतीजों की बात करें तो उसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है बिहार में उभर करके सामने आई थी, जिसके बाद ओवैसी जी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब उनकी नज़र जो है बंगाल पर है, बंगाल फतेह पर है। और कहीं ना कहीं वहीं से ममता बनर्जी की चिंता की जो लकीरें हैं वो स्पष्ट होनी शुरू हो गई थी। अब ओवैसी जी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनकी नज़र बंगाल पर है, तो बंगाल चुनाव के नज़दीक आते ही अपनी बंगाल में राजनीतिक गतिविधि जो है उन्होंने तेज कर दिया है। आज देर सुबह जो है वो बंगाल पहुँचे। बंगाल में उन्होंने हुगली में फुरफुरा शरीफ जो पीर की दरगाह है वहाँ जाकर के उन्होंने वो वहाँ पहुँचे। इसके बाद वहाँ के अब्बास सिद्दीकी हैं, नेता है वहाँ के, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। अब्बास सिद्दीकी वही हैं जिनका जो है बंगाल में मुस्लिमों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके बाद बात करें तो उन्होंने स्पष्ट ये संदेश दिया है। ओवैसी जी वहाँ पहुँच करके उन्होंने देर समय तक जो है लंबे समय तक उनके साथ बैठक की। बंगाल की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसकी समीक्षा उन्होंने की है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है ममता बनर्जी की आंखों में खटक रहा। ममता बनर्जी की आंखों में खटकना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि अच्छे खासे संख्या में जो वोटर हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के, हम TMC की बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं। बंगाल में अगर मुस्लिम वर्ग के जो वोट के लाभुक हैं उनकी अगर संख्या की बात करें, उनके अगर पार्टियों की बात करें, तो सबसे पहले नंबर पर TMC आती है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस आती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी जो हैं थोड़ा चिंतित हो गई हैं। तीन ऐसे ज़िले हैं बंगाल में जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी जो है 50% से ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां 25% से जो ज़्यादा है वो मुस्लिम के वोटर होते हैं। तो ऐसे में जो गतिविधि जो है तेज होने से, वैसे कि बंगाल में राजनीतिक गतिविधि तेज होने से ममता बनर्जी कहीं ना कहीं चिंतित हो गई हैं और उनका होना भी लाजमी है। सभी देख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक परिस्थिति जो है बदली हुई है। बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट जो है तेज हुई पड़ी है। ऐसे में बंगाल चुनाव भी होने हैं, बिहार के भी राजनेता बंगाल चुनाव पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और इसके बाद जैसे ओवैसी जी की बात करें तो उनसे पहले जिस तरह से वो हैदराबाद में उन्हें थोड़ा सा जो है झटका लगा था, इसके बाद वो और मजबूती के साथ बंगाल में आकर के अपना दमखम प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल एक ऐसा जगह है जहां BJP का भी इंटरेस्ट है, JDU का भी इंटरेस्ट है, बिहार के अलग अलग पार्टियों का भी इंटरेस्ट है और ओवैसी जी की पार्टी की भी जो है इंटरेस्ट है। अब देखिए क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। खैर, बने रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। PayTM नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।